8 साल एडिटिंग करने के बाद मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी वीडियो फास्ट पेस एडिट होती है तो 90% से ज्यादा चांस हो जाते हैं आपकी वीडियो वायरल होने के। काफी क्रिएटर्स की वीडियो मैंने एडिट की हुई है जिन पे लाखों में व्यूज है। फास्ट पेस एडिटिंग करने के लिए 8 स्टेप है जो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी वीडियो शूट कर लो। स्टेप 1, आपके पास होती है दो तरीके की फुटेज, ए रोल और बी रोल। ए रोल होता है इस तरीके से कैमरा में सामने देख के बात करना, और बी रोल होता है कि इस तरीके से कैमरा में आवाज तो आ रही है किसी के बोलते हुए की, लेकिन सीन कुछ और ही चल रहा है। और जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, सामने आप मुझे देख रहे हैं, ये है ए रोल, और इसी के ऊपर अगर कोई फुटेज लग जाती है तो वो हो जाता है हमारा बी रोल। और ये जो बी रोल है सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी वीडियो को फास्ट पेस बनाने के लिए। जितना आपने ए रोल शूट किया है चाहे 4 मिनट का है, उसका 3 गुना करीब 12-13 मिनट का आपका बी रोल की फुटेज होनी चाहिए। और ये जो 12-13 मिनट की फुटेज है ना, यही लास्ट में आके 2-2 सेकंड की लगेगी, जिसकी वजह से हमारी फास्ट पेस एडिटिंग हो पाएगी। स्टेप 2, अपनी ए रोल वाली फुटेज को कट कर लो सीक्वेंस वाइज, और उसके ऊपर बी रोल रख दो अपने रफ कट में। अभी कुछ भी बारीकी से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रफली एक आइडिया ले लो कि कहां पे क्या चीज होनी चाहिए। नाउ रिमेंबर, अब स्टार्टिंग का पार्ट आपका सबसे ज्यादा जरूरी है वीडियो वायरल करने के लिए, क्योंकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपके पास ए रोल है तो स्टार्टिंग में आपको ए रोल ही रखना है इस तरीके से बात करते हुए का, अगर वो नहीं है तो बी रोल में हर 3-4 सेकंड के अंदर आपको फ्रेम चेंज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 सेकंड बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को हुक करना, और अगर हुक नहीं कर पाए तो लोग वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस का एग्जांपल मैं दूं तो 15 सेकंड के अंदर क्या आप 4 बार फ्रेम चेंज कर सकते हो? अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर नहीं तो प्रैक्टिस करो कि 4 बार तो फ्रेम चेंज हो हर 15 सेकंड में। अब अगर 15 सेकंड में 4 बार फ्रेम चेंज हो रहा है तो कोशिश करो कि इन चारों को डिवाइड कर दो 8 में, यानी कि हर पार्ट को 2-2 बार कर दो। अब चाहे आप हल्का सा जूम इन करो, जूम आउट करो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ भी करो, फ्रेम थोड़ा सा आपका चेंज हो जाना चाहिए। स्टेप 3 है, अब इंट्रो रेडी हो गए तो बाकी की जो ए रोल वाली फुटेज है उसके ऊपर बी रोल लगाना है। बी रोल 3-4 गुना आपके पास होने चाहिए ताकि आप बार बार फ्रेम को चेंज कर सको, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आपकी शक्ल मेरे जितने खूबसूरत भी हो तो भी लोग आपको बार बार देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, नो कमेंट्स। और इसके साथ साथ वीडियो में जितना भी गैप है वो सारा गैप खत्म कर दो, चाहे वो आधे सेकंड का भी गैप है, साइलेंस है, वो सारा आपको डिलीट करना है, क्योंकि वो आधे आधे सेकंड के सारा गैप मिला के ना लास्ट में 5-6-7 सेकंड तक की वीडियो आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आपकी बोलने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जिसमें आपको बोलते बोलते लास्ट तक आते हुए आपकी आवाज खत्म हो जाती है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपकी दूसरे वाले डायलॉग की जो ऑडियो है उसको नीचे वाली लेयर पे रख के थोड़ा सा आगे सरका दो, ताकि आपका पहला डायलॉग खत्म होते दूसरा शुरू हो जाए एकदम स्मूथली। और हाँ, आउट्रो की जरूरत नहीं है आपको, आउट्रो जितना कम से कम रखो उतना बढ़िया, 5-6 सेकंड से ज्यादा आउट्रो रखने की जरूरत नहीं है, वो भी सिर्फ एंड स्क्रीन के लिए रखना है। स्टेप 4, अब 2023 का सबसे बड़ा हैक यही है कि सबटाइटल्स की मदद से आपकी वीडियो क्रेजी वायरल हो सकती है, और सबटाइटल्स एकदम इजी है, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सिंपल से ना रहे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो दुनिया का, उसके अंदर ट्रांजिशंस या सबटाइटल्स की एनिमेशन वाले प्रीसेट्स बने हुए आपको मिलते हैं। अब उन्हीं प्रीसेट्स को आपको यूज करना है, या फिर आप YouTube या Google से कहीं से भी प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं जिनमें सबटाइटल्स थोड़ी एनिमेशन होकर आएंगे, थोड़ा इधर से निकल के आएगा, उधर से निकल के आएगा, ऊपर नीचे, ये आप खुद भी बना सकते हो की फ्रेम्स की मदद से, बहुत ज्यादा इजी है। और ये जो की फ्रेम्स है ना, ये मैंने अलग से प्रॉपर फ्री वाला कोर्स सिखा रखा है Adobe Premiere Pro का, वो आप यहां से जाके देख सकते हैं। स्टेप 4 है ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस आपकी वीडियो में लोगों को खींचने का काम करती है, सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको यूज करते हैं और आपको भी करना पड़ेगा। और सारी की सारी ट्रांजिशंस आपको फ्री में गूगल यूट्यूब पर मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसका नाम लिखो और उसकी ट्रांजिशंस पैक लिख दो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब ट्रांजिशंस आपको हर कट और सबटाइटल के ऊपर लगानी है, ताकि कहीं पर भी आपको कोई स्टिल फ्रेम ना देखने को मिले। अब स्टेप 5 है आपकी एनिमेशन। अब एनिमेशन कोई ज्यादा अच्छी सीखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट बुरी भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपने वो चीज देखी होगी कि ये इतनी बेकार है कि ये बढ़िया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स सो बैड दैट इट्स गुड, वही चीज आपको करनी है। यानी कि ये चीज आपकी वीडियो का फन एलिमेंट हो सकती है कि इतनी गंदी एडिट है यार, लोगों को देख के हंसी आ रही है, जो हमें चाहिए कि लोगों को एंटरटेन भी तो करना है ना। अब ये जो गंदे वाली एडिट है ना, लोगों का ध्यान ये खींचेगी आपकी तरफ, जो आपको चाहिए। अब लेकिन गंदा मतलब ऐसे गंदा ही नहीं कर देना। अब इसका एग्जांपल मैं दूं तो जैसे कोई कार्टून है, कार्टून के ऊपर अपना फेस लगा दिया और वो एनिमेशन कर रहे हैं बेसिकली की फ्रेम्स की मदद से, वो फोटो उसके मुंह पे लगी हुई है और वो आगे पीछे जा रहा है, वो होती है आपकी गंदी वाली एनिमेशन, जो लोगों को एक्चुअल में अच्छी लगती है। या फिर जैसे आप ट्रांजिशन दिखाना चाहते हो एक जगह से दूसरी की, उसमें मैप का यूज करते हैं, जैसे फुकरा इंसान जैसे क्रिएटर है वो मैप दिखाते हैं, गाड़ी रख दी उस पर गाड़ी की PNG फोटो लगा के इधर से उधर जा रही है गाड़ी। अब गाड़ी की PNG फोटो ना लगा के व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही रख दो और वो मैप पे जा रही है इधर उधर, गाड़ी का गंदा सा साउंड इफेक्ट लगा दो खराब गाड़ी वाला, और वो वीडियो ऐसे जाती हुई दिखेगी तो वो बहुत ही गंदी लगेगी, लेकिन वो एक्चुअल में लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। स्टेप 6 है आपका स्केल। कुछ भी स्टूपिड सी बात करो वीडियो में और उसको एकदम जूम कर दो, इतना जूम कि वो फेस ब्लरी हो जाए। अब इसका एक एग्जांपल मैं दिखाऊं तो कि दो मेन कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बात में इतनी ज्यादा कोई बकचोदी हो रही है कि पीछे जो बंदा खड़ा साइड कैरेक्टर हमारा, उसका एक्सप्रेशन दिखाना और वो एकदम
वीडियो के अंदर जूम मार दिया तो वो जो एक्सप्रेशन है गंदी क्वालिटी में नजर आएगा, लेकिन वो बड़ा मजेदार लगता है। या फिर वीडियो में जूम आउट भी आप कर सकते हो, जूम इन करने की जगह जो ब्लैक से आपकी बॉर्डर बन जाए, स्केल को 80% 70% कर दो और उसके साथ साथ में म्यूजिक भी रोक दो। अब ऐसा करने से लोगों का जो अटेंशन है एकदम दोबारा से आपकी वीडियो पे आ जाएगा कि अरे क्या चल रहा था, एकदम क्या हो गया। अब ये जो चीज होती है इसी की वजह से लोग आगे आपकी वीडियो देखेंगे, वरना लोग आपकी वीडियो बंद करने वाले थे अभी। और अगर अपनी वीडियो के अंदर आप कोई फोटो यूज करते हो तो फोटो को जूम इन कर दो, थोड़ा सा जूम आउट कर दो की फ्रेम्स की मदद से। कभी भी आपकी फोटो स्टिल नहीं नजर आनी चाहिए, इधर उधर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो घूमती रहे। स्टेप 7 है साउंड डिजाइन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी एडिटिंग का। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो एक ही साउंड इफेक्ट बार बार यूज नहीं करना। अब पॉप 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 वाला वो साउंड इफेक्ट बार बार लगाओगे तो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है और लोग छोड़ के चले जाएंगे। हर बार साउंड इफेक्ट अलग लगाओ ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग बनी रहे और लोग एंड तक उसको जरूर देखें। मोस्टली साउंड इफेक्ट यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं और इसकी बाकी डिटेल के लिए हमारी वो अलग वाली वीडियो जाके देख लेना। अब स्टेप 8 है, हमारी सारी वीडियो एडिट हो गई है, बस हमें इसके नीचे म्यूजिक लगाना है। अब ये म्यूजिक लगाने का सिंपल सा एक फंडा है कि जहां पर सीन चेंज होता है वहां पर म्यूजिक चेंज होना चाहिए, या फिर जहां पर सब्जेक्ट चेंज होता है, आपका टॉपिक खत्म होता है, वहां पर आपका म्यूजिक भी खत्म होना चाहिए। अब जैसे हमारी ये वीडियो में हमारे 8 स्टेप थे और हमारा इंट्रो था टोटल 9 चीज, तो हमारा म्यूजिक भी हमने 9 बार चेंज किया। अब ज्यादा बार भी कर सकते हो, लेकिन ये एक सिंपल सा फंडा है कि जितनी बार आपका सीन चेंज हो रहा है, आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वहां पर आपका म्यूजिक भी चेंज करना चाहिए ताकि लोग आपकी वीडियो को एंड तक देखे जैसे आप लोग हमें देख रहे हो। अगर यहां तक देख रहे हो ना तो 500 लाइक का टारगेट हम रख रहे हैं, वो जरूर कर देना यार। और म्यूजिक आपको कहां से मिलेगा, देखो कॉपीराइट फ्री वाले सॉन्ग आपको YouTube लाइब्रेरी से मिल जाते हैं। इसके अलावा पेड वेबसाइट्स होती है, अगर आपका बजट है तो उन पेड वेबसाइट्स पे जाके आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया मजेदार आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये है 8 स्टेप हमारी फास्ट पेस एडिटिंग के। आप कमेंट करो कि आप क्या सीखना चाहते हो, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे।